है आज आपने इसका अवसर दिया, इसका मुझे बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल। सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना RDSS पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सवाई माधोपुर जिले के अंदर RDSS के माध्यम से पिछले दिनों 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और उन 200 करोड़ रुपए में हद तो तब हो जाती है, तब आज के समय में 10.25% अभाव उसका टेंडर मिली भगत से डलता है और डलने के बाद उसकी अप्रूवल होने के बाद ठेकेदार द्वारा उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया जाता, नए GSS बनाना उस टेंडर के अंदर सम्मिलित था नहीं होते हैं, ज्यादा जो बड़े फीडर थे उनको छोटे फीडर करने का काम उसके अंदर होता वो नहीं होते हैं, कृषि कनेक्शन के लिए नए फीडर बनाने का काम करना था वो नहीं होते हैं, पुरानी केबल को बदलने का काम था वो नहीं होते हैं, जिन ट्रांसफार्मर में अधिक लोड था उनके लिए अधिक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी इस कंपनी को करना था। सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले में 200 करोड़ रुपए और खंडार विधानसभा क्षेत्र में 67 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन हुआ, पिछले एक सालों के अंदर ठेकेदार ने उसमें कोई काम नहीं किया, 3 नए GSS बनने थे गंडावर मोरोज डेकवा, उसमें एक भी GSS कंप्लीट नहीं हुआ, 39 फीडरों में नए फीडर खींचकर जाने थे मात्र उसमें 2 फीडर खींचे हैं, 52 फीडर्स ओवरलोड थे जिनमें नए ट्रांसफार्मर लगने थे उनके अंदर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, 10% काम भी ये कंपनी नहीं कर पाई है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, ऐसी कंपनी को या तो ब्लैकलिस्ट किया जाए और या फिर इनको कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे ये सरकार को कभी गुमराह ना करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 132 दो GSS दिए, उसके बाद वहां का लोड और अधिक बढ़ जाता है, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि मेरे यहाँ पर एक 220 प्रस्तावित है, अतः जल्दी ही उसका भी काम प्रारंभ कराने की घोषणा करें। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री गोवर्धन।